सर रेडी स्टार्ट हो गया। चलो साथियों नमस्कार। आज लाउड इंडिया टीवी के ऊपर मुख्य विषय है हिंडनबर्ग नाम से एक अमेरिकन शेयर बाजार की एक एजेंसी है जिसका रिपोर्ट भारत के एक उद्योगपति जिनका नाम है गौतम शांतिलाल अदानी, उनका जो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज है उनके आर्थिक व्यवहार के बारे में ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। और उस रिपोर्ट को अदानी समूह ने 413 पन्नों का जवाब दिया है और उसमें का मुख्य टाइटल है ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट का भारत के ऊपर हमला है। 140 करोड़ आबादी के मुल्क में अदानी जैसे और भी कई उद्योगपति हैं, भले आज अदानी ने अपना मुकाम देश के नंबर एक और दुनिया के नंबर तीन वगैरह पे हासिल करने की चर्चा हम सुनते रहते हैं, सही गलत वो अलग बात है, लेकिन फोर्ब्स और दुनिया भर के क्या क्या शेयर बाजार के जो भी कुछ, वो एक अलग ऐसी दुनिया है जिसकी भाषा भी अपने जैसे सामान्य लोगों को सिंटेक्स और ये और वो ये सब शब्द ये हमारे सबके अपने, हमको सिर्फ इतना ही दिखता है कि 24 जून 1962 को पैदा हुआ एक मामूली सा स्ट्रगलर कपड़ा व्यापारी शांतिलाल जो गौतम अदानी के पिताजी है, ये उनके 7 बच्चे, गौतम अदानी उनमें से एक है जिनका 24 जून 1962 को जन्म हुआ है अहमदाबाद में। अहमदाबाद के ही स्कूल में पढ़ते पढ़ते उन्होंने कॉलेज की दूसरे वर्ष की परीक्षा शिक्षा को छोड़कर वो मुंबई में हीरे सॉर्ट करना, मतलब हीरो को चुनना या उनका सॉर्टिंग करना, इस काम में लगे। और उतने में ही 1962 में अगर ये पैदा हुए तो ये शायद 1991-92 की बात है जब उनके भाई साहब ने कुछ पॉली वाला कुछ बिजनेस, कुछ कारखाना अहमदाबाद में शुरू करने की कुछ पहल की तो उसमें मदद के लिए इनको बुलाया गया मुंबई से। तो मुंबई से अपना वो हीरे सॉर्टिंग का काम छोड़कर ये वापस आए और विधिवत खुद गौतम अदानी ने 1988 इस साल में अदानी समूह नाम से कंपनी रजिस्टर्ड की। अब उसके बाद में अदानी एनर्जी, अदानी और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, ऊर्जा से लेके खनिज से लेके धातु से लेके सभी व्यवसायों में अब तो उनका नाम हम देख रहे हैं। लेकिन आज 60 साल पूरे किए हुए गौतम अदानी जी का, 1988 से वो 12 साल और ये 23-35 साल का जो सफर है वो विस्मयकारक है। इस देश में टाटा हम नाम सुनते आ रहे 100 सालों से भी ऊपर, बिड़ला सुनते आ रहे और भी बहुत सारे उद्योगपति है, टाटा बिड़ला ये पुराने उद्योगपतियों के नाम होने के कारण आज़ादी का भी पहले से, इसलिए हम लोग बचपन से ये नाम ज़्यादा सुनते आ रहे। लेकिन हम लोग हो संभाला तब से दो नाम सबसे ज़्यादा सुनते आ रहे आगे पीछे। इनके पहले हम नाम सुन रहे थे अंबानी नाम का और कमाल की बात ये सब गुजरात के लोग हैं। धीरूभाई अंबानी नाम के एक व्यक्ति चोरवड नाम के गांव से एडन जाते हैं, वहाँ पर कुछ छोटा मोटा काम करते करते वो बाद में भारत आकर पॉलिस्टर का धागे का कारखाना खोलते हैं मुंबई के पास में तलकोकन में।
और उनकी कहानी पॉलिश किंग नाम की किताब में एक ऑस्ट्रेलियन पत्रकार ने अलग से लिखी हुई है, बहुत लोगों ने देखी भी होगी, नहीं होगी तो अमेजोन से मंगवा लीजिए। लेकिन आदानी समूह के बारे में अभी इस तरह की कोई किताब शायद आने की है, जहाँ तक मुझे जानकारी है कोई ऐसी संयुक्त जानकारी नहीं है। अंबानी समूह के ऊपर उनका विकास कैसे हुआ, क्या हुआ, ये आया है। और अंबानी का भी विकास इसी तरह से हमारी आंखों के सामने कैसा कैसा हुआ है, और उसके बाद में अदानी, ये भी गुजरात के प्रॉपर अहमदाबाद के, वैसे तो थराड नाम की जगह है पश्चिमी गुजरात की, वहाँ से आई भी फैमिली है, अहमदाबाद में बसी अपने काम धंधे के लिए। पिताजी ने कपड़े के व्यवसाय की कोशिश की, वो कोई खास चल नहीं रहा था, तो इसीलिए गौतम अदानी ने अपनी शिक्षा अधूरी छोड़कर जो भी उन्होंने अपनी ढंग से कोशिश की, ये ड्रॉप आउट कहे जाते हैं अंग्रेजी में पढ़ाई में से, लेकिन आज ये दुनिया के 3 नंबर के अमीर लोगों में इनकी गणना होती है। अब पता नहीं हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद में इनके अमीरी को काफ़ी चोट पहुंची है, इनके शेयरों के दाम काफ़ी हद तक नीचे गिरे हैं, और एक तरह से भूचाल आया है। हालांकि बजट का भी समय है और उसी समय में ये भी बात है, तो ये 5 दिन की बात में ये बात हो सकता है कि मेनस्ट्रीम मीडिया के नज़र में इसकी अहमियत कितनी है पता नहीं। और मेनस्ट्रीम मीडिया का भी जो हाल गत 8 सालों से जो है, क्योंकि अदानी उद्योग समूह का, वैसे अंबानी का भी कहा जा सकता है, लेकिन अदानी उद्योग समूह का वर्तमान सरकार के साथ का रिश्ता बहुत करीब है। वर्तमान राजनीतिक दल को सत्ता में आने के लिए 2013 में अदानी समूह ने दिल खोल के मदद की है। एक तो सबसे पहली बात, तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो आज भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनके लिए चुनाव प्रचार के लिए जो जेट, हालांकि कई सारे विमान है अदानी समूह के पास, आज की तारीख में हेलीकॉप्टर है, गाड़ियों का बहुत बड़ा काफिला है, दिल्ली से लेके अहमदाबाद से लेके और भी देश विदेश के अन्य जगहों पर इनके बहुत बड़े बड़े राजमहल जैसे घर है। दिल्ली में लुटेंस दिल्ली जिसको बोला जाता है, उसमें इनका लगभग 2.5 एकड़ में 400 करोड़ रुपए का, जो कि बाजार की कीमत तो 1000 करोड़ रुपया है, घर है, गुड़गांव में है। इस ढंग से इनके पर्सनल प्रॉपर्टीज का तो कोई हिसाब नहीं, लेकिन इनका कंपनियों का जो विस्तार है वो विस्मयकारक है। आज भारत की आधी से ज्यादा बिजली अदानी बनाते हैं। 1988 में रजिस्टर्ड की गई कंपनी, 35 सालों में शुरुआत तो इन्होंने शायद पोर्ट मुंब्रा पोर्ट्स मुंब्रा एक मुंबई में है, ये मुंद्रा MUNDRA ये गुजरात के पोर्ट से कांडला, इन पोर्ट मतलब जहाज लाने वाले पोर्ट, पोर्ट तो एयरपोर्टों को भी बोला जाता है, लेकिन ये जहाज लाने वाले जहाँ से बहुत बड़े शक्तिशाली सामानों का सबसे बड़े पैमाने पे पुराना परिवहन का साधन है, सदियों से पहले कपड़ों के पर्दे लगा के जिसको सीड बोला जाता है उसके जहाज, उसके बाद जब इंजनों की खोज हुई उसके बाद में उसके ऊपर चलने लगे और जहाज़ों का आकार भी बढ़ने लगा, तो ये कई लाख टनों का माल इधर से उधर करने की इनकी कंपनी की ख्याति है। उसके बाद में इन्होंने और भी पोर्ट लिए, और हाल ही में इन्होंने इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ एक एग्रीमेंट करके वहाँ का भी, इज़राइल का भी एकमात्र पोर्ट जो है पा, वो भी इन्होंने अपने समूह के तरफ एक तरह से कर लिया है। तो अब अदानी समूह पोर्ट से शुरू होके ऊर्जा और धातु के भी अलग अलग कारखाने,
और भी कई तरह के व्यवसायों में इस समूह का विस्तार हुआ है। और ये सब विस्तार करने के लिए जो पूंजी लगती है, जिसको शेयर बाजार में ये सब कंपनी अपने आप को रजिस्टर करके लोगों को अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं कि हमारी कंपनी का ये पोर्टफोलियो है, इस ढंग से हम आपको रिटर्न देने वाले हैं। और कुछ हद तक इनके शेयर्स तो 3000 से भी ऊपर, शायद 4000 तक चले गए थे, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद में धड़ाम से 1000 से भी नीचे 37 point something ऐसे कुछ गिर पड़े हैं। और सबसे आश्चर्य की बात, भारत की सबसे बड़ी बैंक जिसको स्टेट बैंक बोला जाता है और बीमा कंपनी LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जीवन बीमा जिसको हिंदी में बोला जाता है, ये कंपनी ने भी अदानी समूह में इन्वेस्टमेंट करने की बात हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद में पता चली है। तो ये जो उस रिपोर्ट को पब्लिश करने के बाद में जो बाजार में खलबली मची है, तो उसमें जो लोगों के शेयर के दाम गिरे हैं, उसमें आम आदमी जो भी जिसने थोड़ा बहुत अपना कमाई का पैसा लगाया होगा वो तो अलग बात हो गई, लेकिन बैंक और LIC जीवन बीमा इनके भी पैसे क्या प्रतिशत है क्या नहीं, उसके पूरे आंकड़े कोई बता नहीं रहा है। क्योंकि 2014 में मई महीने में शपथ लेने के बाद से आज हम 2 फरवरी 2023 को बात कर रहे हैं, तो इन 9 सालों के या 8.5 सालों के दौरान वर्तमान सरकार ने ED, IB, CBI इन एजेंसियों का उपयोग तथाकथित भ्रष्टाचार निर्मूलन या गलत मार्ग से पैसे कमाने वाले लोग या मनी लॉन्ड्रिंग शब्द आपने सुना होगा, जो यासिन मलिक से लेके किसी कप्पन नाम के पत्रकार से लेके हमारे नागपुर के एक्स होम मिनिस्टर अनिल देशमुख से लेके आजम खान और हसन मुशरिफ और कितने नाम हम गिनाएंगे, शायद सैकड़ों या हजारों लोग, और सबसे बड़ी संख्या में BJP छोड़कर मुझे अभी तक एक भी नाम भारतीय जनता पार्टी का याद नहीं आ रहा, लेकिन सत्ताधारी दल के लोग छोड़कर लगभग सभी दलों के कई तरह के लोगों के घरों के ऊपर इसी मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर ईडी के और सीबीआई के और आईबी के छापे डालने की बातें मुल्क के सभी लोगों को पता होगी। लेकिन आज एक हफ्ता हो गया, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, देश विदेश में इसकी खूब चर्चा चल रही, भले हमारा भारत का मेनस्ट्रीम मीडिया उसको ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहा है, क्योंकि उसकी अपनी मजबूरी है, क्योंकि कुछ कुछ मीडिया में तो खुद अदानी ही उतर पड़े हैं, NDTV उसका ताज़ा उदाहरण है, जिसमें उन्होंने अपने एक तरह से शेयर बढ़ाते बढ़ाते NDTV शुरू करने वाले लोग ही बाहर हो गए, उसमें से कुछ प्रतिशत शेयर उनके बचे, लेकिन उसमें से जो नाम हम लोग सुनते रहते थे वो लोग दुर्दैव से बाहर हो गए हैं। तो मीडिया में भी इनकी एक तरह से शिरकत है, सिर्फ अभी बंदरों तक, पोर्टों तक, ऊर्जा तक सीमित नहीं रही है, मीडिया में भी घुसे, और कौन कौन से चैनलों में इनकी मालकियत है या प्रिंट मीडिया में, वह एक और संशोधन का विषय हो सकता है। क्योंकि जब ये विश्व के 3 अमीरों में इनका शुमार होता है चंद दिनों के भीतर, और ये अगर हिंडनबर्ग का रिपोर्ट का मामला नहीं हुआ होता तो शायद आने वाले कुछ दिनों के भीतर कुछ चंद मिलियन डॉलर का सवाल था जो नंबर वन पे जाने की बात थी। लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट मैंने जो खुलासा किया है, जिसमें आर्थिक जो चालाकिया, जो कलाबाजिया कर कर के जो इन्होंने जो अपना ये मुकाम जो हासिल किया है, और व्यक्तिगत रूप से मेरी भी व्यक्तिगत राय है कि इस देश का आदमी जो आपने 2 समय के खाने के लिए कितनी मेहनत करके बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे कमाकर अपना और अपने बच्चों का, अपने परिवार का पेट पालता है,
लेकिन ये जो अमीर होने का जो सिलसिला है, धीरूभाई अंबानी का जो मैंने जिक्र किया उसके पहले, कि जो कभी शायद कूली के दर्जे की नौकरी करते हुए एडन से आए और अपने लाइफ टाइम में वो देश के प्रमुख उद्योगपतियों में कैसे कैसे बने थे, ये पॉलिस्टर किंग नाम की किताब में पूरा कच्चा चिट्ठा लिखा गया है। बिल्कुल भी ये जो पूंजीपति, ये जो बड़े बड़े अमीर लोगों का जो रास्ता है, वो रॉकफेलर हो या कोई फोर्ड हो या कोई और भारत का भी कोई अलग एक्स वाई जेड हो, इसमें इनका दिमाग या इनकी मेहनत से ज्यादा इनकी चालाकी, इनकी चतुराई और आम लोगों के पैसों को चूना लगाकर उनके श्रमों का भी शोषण करके, जिसके ऊपर कार्ल मार्क्स ने बहुत बड़ा दर्शन लिखा है, पूंजीवाद कैपिटलिज्म, उनके किताब का ही नाम है कैपिटल, 3 वॉल्यूम्स में उन्होंने लिखा हुआ है कि किस ढंग से कैपिटलिज्म का और कैपिटल का विकास होता है। तो ये जो पूरा विश्व भर का कैपिटलिज्म का, कैपिटल का जो पूरा जो हिस्ट्री है, उसके ताजा प्रैक्टिकल उदाहरण हमारे आंखों के सामने अंबानी और अदानी समूह का है, जिनका नाम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 7 सितंबर से 30 जनवरी तक की अपनी भारत जोड़ो यात्रा में शायद लगातार हर सभा में ये 2 नाम वो बार बार ले रहे थे। और हमें भी हैरानी हो रही थी, क्योंकि उद्योगपति तो और भी है इस देश में, टाटा बिड़ला तो बहुत पहले से इस्टेब्लिश है, बजाज है हमारे बगल में वर्धा से, जो शायद फिक्की के अध्यक्ष भी अभी है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन थे ये पार्टी सत्ता में आने के पहले तक। बहुत सारे उद्योगपति है, क्योंकि 140 करोड़ का आबादी के मुल्क में बहुत स्कोप है उद्योगपतियों को बहुत कुछ करने का, बहुत सारे संसाधन हैं जिनका दोहन करके, ऊर्जा से लेके खनिज से लेके दुनिया भर की बातों का जो व्यारा न्यारा कर रहे हैं। ये जो अभी हमारे बगल में नक्सल ऑपरेशन के नाम पे एक ऑपरेशन हो, जिसके ऊपर मैंने लिखा है, भारतीय नक्सलिज्म के इतिहास में 50-55 साल के दौर में नक्सलिज्म के नाम पे महाराष्ट्र का, तेलंगाना, आंध्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का जो हिस्सा है जिसको दंडकारण्य भी बोला जाता है, वहां पर हवाई जहाजों, हवाई फायरिंग या हवाई बमबारी की गई जंगल खाली कर देने के लिए। तो सिर्फ नक्सलाइट नहीं, उसमें मूल रूप से जो आदिवासी जो है, मूल निवासी जो है, उनको खाली करने के लिए, ये धन्ना सेठों के लिए, इन लोगों को वहां की जो अकूत जो धन संपदा, जो खनिज है, जो संपदा है जमीन के भीतर छुपी हुई, उसको निकालने के लिए इस देश का जो मैक्सिमम, जिसको रेड कैरिडोर जिसको बोला जाता है, कोइंसिडेंसली ये रेड कैरिडोर यानी ये पूरा भारत का फॉरेस्ट का, जिसको हरित क्षेत्र बोला जा सकता है, वन क्षेत्र बोला जा सकता है, नॉर्थ बंगाल से लेके महाराष्ट्र के गढ़चिरौली तक का ये पूरे बेल्ट को रेड कैरिडोर, ऐसा एक पॉलिटिकल नाम दिया गया है। वास्तविक रूप से ये पूरा आदिवासियों का क्षेत्र है, जंगलों का क्षेत्र है, और दुनिया के जंगलों के प्रोपोर्शन में भारत के जंगल का प्रोपोर्शन जो कि 27% होना चाहिए, जो अभी 8 या 9% में आ चुका है। तो ऐसे जंगलों को खाली करने का भी इन उद्योगपतियों के लिए, सरकारें कोई भी हो, इसके पहले की सरकारें भी कोई बहुत दूध की धुली भी नहीं थी, उन्होंने भी आदिवासियों को विस्थापन करने के लिए उद्योगपतियों के हाथ में ओडिशा से लेके, झारखंड से लेके, हमारे पड़ोस के छत्तीसगढ़ से लेके आबुजमान नाम के जंगल की भी कहानी, क्योंकि सुना है कि वहां के भी जंगल को इसी अदानी समूह को कोयला के लिए सौंपने का काम तत्कालीन बीजेपी की सरकार और वर्तमान वहां की कांग्रेस की सरकार भी इससे मुक्त नहीं है। अंबानी का उदय तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय ही हुआ है,
अकेले नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को दोष देने की बात नहीं, अदानी श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए भारत में आए हैं, उनके साथ में टेबल पर खाना खाते हुए उनके मशहूर फोटो है द पॉलिश किंग किताब में, वो सब आपको देखने को मिल सकता है। और इनको जो उद्योगों को जो सहयोग दिया गया उस समय के वित्त मंत्री जो बाद में राष्ट्रपति भी बने थे प्रणव मुखर्जी, आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनका भी नाम इस बारे में चर्चित है। उनके वित्त मंत्री का जो वो कार्यालय था साउथ ब्लॉक दिल्ली के, उनको वहां पर खाना पंच सितारा होटलों से जाता था उनको और उनके स्टाफ को, ये भी कई किताबों में और कई पत्रकारों ने उजागर किया है। और वर्तमान तारीख में गौतम अदानी जी के बारे में जो मैंने कहा कि इन्होंने 2013 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को, जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो गुजरात के मुख्यमंत्री का विमान तो चुनाव प्रचार के लिए नहीं ले जा सकते थे कोड़ा पंडक के हिसाब से, तो इसलिए उनको उस समय अदानी समूह ने अपना प्राइवेट जेट दिया गया और 500 से ऊपर जनसभाएं भारतीय चुनावी इतिहास के, इसमें किसी नेता ने आसाम से लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक की सभाओं का जो रिकॉर्ड ब्रेक जो किया है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने, पहली सभा मेरे अपने होम डिस्ट्रिक्ट धुलिया से उन्होंने शुरू की और आसाम से लेके कहाँ कहाँ नहीं गए, बहुत मेहनत की उन्होंने, नो डाउट अबाउट दैट। उनके स्टैमिना को सलाम करना होगा, मेरे से भी एक दो साल बड़े हैं, 1950 का उनका जन्म है, मैं 1953 का हूँ। लेकिन गौतम अदानी ने नरेंद्र मोदी जी को अगर ये सहयोग नहीं किया होता, चुनाव में चुनावी बॉन्ड के नाम पे या चुनावी चंदे के नाम पे कितना पैसा दिया वो अलग बात है, वो और एक संशोधन का विषय है, लेकिन खुल के अदानी लिखा हुआ विमान हमने देखा है, आज के मेरे लेख में मैंने वो फोटो भी दी है चौथी दुनिया के पोर्टल पर, वो विमान ले लेकर इतनी सभाएं करने का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी जी के नाम पे जमा है। तो अदानी समूह को कई सारे हमारे देश के जो कानून हैं, जो चेक है, चेक एंड बैलेंस जिसको बोला जाता है, उनकी अनदेखी करते हुए जो फेवर किया गया है और किया जा रहा है, आज एक हफ्ते से ऊपर हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ चुकी है और उसके बावजूद सेबी जिसका ये काम है शेयर बाजार के ऊपर निगरानी रखने के लिए बनाई गई ये व्यवस्था है, जिसके लिए तनख्वाह दी जाती है हमारे आपके आम जनता के जेब से जो हम टैक्स देते हैं उससे, सेबी का आज तक न कोई स्टेटमेंट है, न सेबी की कोई कार्रवाई की बात है, न कोई कुछ है। मैं अभी कुछ चैनलों को देख रहा था, छोटे वाले बड़े वाले नहीं, जिस चर्चा में कई आर्थिक कवरेज करने वाले पत्रकारों ने कंप्लेंट की कि सेबी हमारे टेलीफोनों का जवाब भी नहीं दे रही है, हम हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर उनको चर्चा करने के लिए, उनको जवाब मांगने के लिए, उनके प्रतिक्रिया जानने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फोन भी नहीं उठा रहे, या उठाया तो कोई बीमार है, कोई किसी के घर में कुछ मर गया ऐसा कुछ बोल के वो टाल मटोल कर रहे हैं। लेकिन यही सरकार किसी मामूली से आदमी के 2-4-5 लाख के मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को लेकर कितनी चुस्त है, इसके कितने सैकड़ों उदाहरण आप लोगों को भी पता होंगे। कप्पन नाम का एक पत्रकार जो उलगड़ी जा रहा था वो एक किसी दलित एट्रोसिटी के केस की इंक्वायरी में मनीषा नाम की एक लड़की के ऊपर जघन्य अत्याचार किया गया, उसके लिए भारत के किसी भी पत्रकार को पत्रकार के नाते पूरा हक है, या किसी भी नागरिक को भी हक है कि ऐसी किसी घटना में जाकर जांच कर देगा। हमने खुद खैर लांची से लेके कितनी घटनाओं की जांच की है, लेकिन ये कप्पन को किसी टोल नाके के ऊपर ही यूपी की गवर्नमेंट ने उठाकर उसको अंदर कर दिया, उसने सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई,
और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उसको फंसा के रखा हुआ है। कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग की, क्या किया पता नहीं। मतलब आज की तारीख में हमारी जो एजेंसियां है, ईडी, सीबीआई, आईबी, ये कितने सारे लोगों को इन सब चीजों के ऊपर कार्रवाई करते हुए हमने देखी है। अगर ये इतनी चुस्त है, इतनी दुरुस्त है, तो अदानी समूह के बारे में एक हफ्ते से ऊपर का समय होने जा रहा है, 24 जनवरी को ये रिपोर्ट बाहर आई है, 2 साल से ये लोग अदानी समूह के ऊपर काम कर रहे थे, और इस रिपोर्ट के बारे में खुद अदानी ने बहुत चुस्ती से 400 चेहरा पढ़ने की जवाब देने की कोशिश की, जिसमें भारत का तिरंगा झंडे की आड़ में एक तरह से वो रिपोर्ट के बारे में, उस रिपोर्ट ने ही कहा है कि तिरंगे झंडे को लपेटकर आप देशभक्ति का आड़ में ये सब कोशिश कर रहे हैं, और ये अभी बहुत कॉमन हो गया है। अभी वर्तमान सत्ताधारी दल के लोग भी देशभक्ति का जुमला इस्तेमाल करके, अग्निवीर वाली योजना हो तो हमारी सेना का अपमान, सेना का अपमान तो आपने अग्निवीर जैसी योजना हास्यास्पद 3-4 सालों के लिए बच्चों को सेना में लेकर उनको चलता कर देना, ये भारतीय सुरक्षा के साथ का खिलवाड़ जैसी बात को आलोचना करना या चिकित्सा करना, इनको आप देशद्रोह बोल रहे हैं, सेना का अपमान बोल रहे हैं, इससे ज्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है। और पुलवामा जैसे और दुनिया भर के जगहों के ऊपर हमारे सैनिकों की जो जाने जाती है, इसके भी बारे में अगर कोई सवाल करता है तो उसको भी आप बोलते कि हमारा सेना का अपमान कर रहे हैं। और सुरक्षा के बारे में और कई तरह के मामलों के बारे में जब भी कोई चर्चा या कोई लिखना या कोई बोलना चाहता है तो उसको भी तुरंत आप देशभक्ति के आड़ में आप छुपने की कोशिश करते हो और उसको देशद्रोही या उसी के ऊपर हमारे देश के संवेदनशील सवालों को आप टच कर रहे हो, उसको छू रहे हो। तो अदानी ने भी वर्तमान सरकार की नकल करते हुए खुद ने उसने क्या जुमला इस्तेमाल किया है कि ये अदानी समूह के ऊपर हमला नहीं है, ये भारत के ऊपर का हमला है। मैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते, मेरे पिताजी ने भारत के आजादी के आंदोलन में भाग लिया था और उसके बाद में मैं भारत की दूसरी आजादी, जिसको बोलते रहते वर्तमान सत्ताधारी दल 1975 की आपातकाल की स्थिति का, मैं भी एक जेल से आया हुआ व्यक्ति, तो ऐसे दोनों आजादियों के आंदोलन से संबंधित परिवार के, और राष्ट्र सेवा दल जैसे संगठन जिसने आजादी के आंदोलन में जी जान से हिस्सा लिया है, सैकड़ों हमारे शहीद हुए हैं, शिरीष कुमार से लेके बहुत सारे नाम हम गिना सकते हैं, तो ऐसे परिवार के एक सदस्य होने के नाते मैं किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूं, ना बनना चाहता हूं, और चुनावी राजनीति में आज तक मैंने कभी हिस्सा लिया नहीं, ना लेने वाला हूं। तो एक भारत का जेन्युइन नागरिक होने के नाते भारत की एकता, अखंडता, भारत की समृद्धि, इन सब बातों को लेकर चिंतित रहने वाले आदमी, इन्हीं विषयों के ऊपर 50 साल से काम करने वाले एक कार्यकर्ता के नाते, आर्थिक विषय पर मुझे कोई ज्यादा समझ नहीं है, मेरा वो विषय भी नहीं है, इसलिए आर्थिक भाषा में मैं ज्यादा अदानी समूह के बारे में नहीं बोल सकूंगा, वो इकोनॉमिस्ट लोगों के, आर्थिक व्यवहार के एक्सपर्ट लोगों का विषय है। लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते, 70 साल की उम्र का मैं होने जा रहा हूं, इसके नाते मैं ये चिंता जरूर जताऊंगा, जिसमें हमारी स्टेट बैंक, जिसमें आम आदमियों के अकाउंट्स होते हैं, जीवन बीमा, जिसमें आदमी अपने जीवन का पूरा निधि, जो भी पैसा उसका होता है, वो लगाकर वो अपने बुढ़ापे की व्यवस्था करने के लिए उसमें अपनी पूंजी लगा देता है, अगर ऐसी संस्थाओं के भी अगर नाम आ रहे हैं, और जो आम आदमी उन्हें जो शेयर किसी आशा से 1 रुपये का 2 रुपये बनाने के लिए लगाए होंगे, उन सब ऐसे आर्थिक गैरव्यवहार करने वाले लोगों को भारत के, मतलब जो
माल्या के बारे में, नीरव मोदी के बारे में, ललित मोदी के बारे में और भी कई तरह के ऐसे अपराधी हैं जो छुपे हुए हैं। और ये आज सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो कम से कम भागे डर के मारे। ये महाशय भारत में रहकर 413 पन्ने का जवाब भारत के ऊपर हमला जैसी भाषा का इस्तेमाल करके ये हिम्मत से, अभी मैंने कुछ देर पहले टीवी में भी उनको बोलते हुए देखा,